So guys, इस वाले ब्लॉग में बहुत मजा आने वाला है। अभी हम लोग जा रहे हैं दूध धारा, कपिल धारा के ठीक नीचे था, पीछे वाले ब्लॉग में आपने देखा था। और अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो सर लिंक डाल रहा हूँ, आप वहाँ देख लेना। तो अभी हम लोग आने वाले हैं दूध धारा, जो कपिल धारा के ठीक नीचे बनता है। तो अभी हम लोग वहाँ जाएंगे, देखेंगे कि वहाँ क्या है। तो आइए मेरे साथ। वेलकम करने के लिए देखिए वहाँ सामने बंदर बैठा हुआ, सब देखना पकड़ के भागे नहीं पाऊंगे। तो गाइस दूध धारा जाने के लिए कुछ इस तरीके का क्राउड रहता है और मिट्टी वाला ही रास्ता बना हुआ है। बारिश के टाइम में यहाँ कब किधर से पैर स्लिप कर रहा है कहना मुश्किल है। इसके ठीक बगल में आप इधर जो कपिल धारा का वाटर है, जो ऊपर से नर्मदा नदी का पानी आ रहा है, वो बहते जा रहा है। तो अभी मैं टोटली नीचे जाने वाला हूँ, दूध धारा देखने का मेरा शौक था। वहाँ कुछ गुफा वगैरह है, अब क्या उसके बारे में मैंने सुना है बट जानता नहीं हूँ। जा रहा हूँ एक बार देख लूँगा, फिर बताता हूँ आप लोग को। पता नहीं कितना नीचे है, अभी तो जा ही रहा हूँ, तब से उतर रहा हूँ बिना रास्ता का। ट्रैकिंग टाइप का एरिया हो गया है, लेकिन लास्ट तक जरूर जाऊँगा और दिखा कर ही रहूँगा। मैं भी देखूँगा क्योंकि मेरी जानने की इच्छा है। गुफा टाइप का कुछ दिख रहा है, पहुँच गया हूँ क्या मैं? थोड़ा सा इधर भी देखते हैं खाने के लिए, चना वना का स्टॉल लगा हुआ है, इधर खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और कपिल धारा का जो पानी आ रहा था ना नर्मदा नदी का, अमरकंटक से निकल कर अमरकंटक वाला ही एरिया से पड़ता है। आप देख सकते हैं यहाँ से मैं नीचे भी जा सकता हूँ। गुफा किधर था वो तो पता नहीं, पहले पर मुझे पूछना पड़ेगा। ये कुछ स्टेइंग पॉइंट वगैरह रहा होगा एक समय में, अभी तो इसका स्थिति गंभीर है, ऐसा है कि न देख सकते हैं न दिखा सकते हैं, कुछ ज़्यादा ही गंभीर है। लेकिन अभी हम लोग कंटिन्यू चले ही जा रहे हैं और लास्ट में देखते हैं पहुँच कर कि वहाँ कैसा गुफा और क्या है, इसी को देखने के लिए उतरते। अरे हम लोग शॉर्टकट ले सकते थे यार, शॉर्टकट हमने क्यों नहीं लिया? जाने टाइम शॉर्टकट लेकर चलेंगे इस वाले रास्ते से, ऐसे इधर से शॉर्टकट लेकर चलेंगे सीधा ऊपर, देखें किधर को मिलाता है। अभी फिलहाल अपने को नहीं मिलेगा तो नया रास्ता का क्या बोलते हैं फाउंडेशन, नया रास्ता का खोज कर देंगे हम लोग, लेकिन जाएंगे उधर से। इधर देखिए पहाड़ी वाला पानी उतरते रहता है इधर, अभी तो ऑफ टाइमिंग है ना, ठंडा वाला मौसम है, अभी मन चल रहा है नवंबर का, तो थोड़ा सा इधर पानी वगैरह कम होगा। बारिश टाइम में कुछ ज़्यादा ही बारिश वगैरह पानी वगैरह बहते रहता है, बारिश के समय इधर अलाव नहीं रहता है। हाँ अलाव भी नहीं रहता क्योंकि कुछ ज़्यादा ही जिग जैग है। ओ नर्मदे ऑलमोस्ट, मुझे लगता है कि पहुंच ही गया हूं मैं नीचे में, और इधर ही कुछ देखने के लिए मिलेगा जैसा सुना हूं। देख सकते हैं कितने बुजुर्ग लोग इधर आ रहे हैं। फाइनली लगता है अब पहुंच जाऊंगा, तब से उतर ही रहा हूँ, रास्ता ये ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। ये वाला भी बहुत अच्छा आ रहा है, अभी चलेंगे आगे। तब से पहाड़ उतर ही रहा हूँ, बस पहुँचा नहीं हूँ अभी तक। आगे ये संकीर्ण रास्ता, पहाड़ से देख सकते हैं पानी कैसे उतर रहा है यहाँ, और लाकर लास्ट में यही नर्मदा में मिल जा रहा है। हर हर नर्मदे, ये नर्मदा का व्यू है, ये अलग ही व्यू बन रहा है यहाँ।
तो चलो फटाफट चलते बाबू आगे में। पकड़ लो छोटे को, पकड़ लो, पकड़ लो छोटे को, पकड़ लो, गिर जाकर तो दिक्कत है भाई, आने में बहुत दिक्कत होता है, इधर सहयोग करना चाहिए। क्या कोई इंसिडेंट्स है, नर्मदा नदी के ठीक किनारे किनारे में चल रहा हूँ, नर्मदा नदी को फॉलो करते हुए मैं आखिरी कर लास्ट वाले छोर पर पहुँच ही गया हूँ। इधर किधर गुफा वगैरह है, अच्छा यहाँ गुफा है भाई, जैसे मैं पहाड़ में बनाया गुफा है और अभी गुफा के अंदर जा रहा हूँ, इसीलिए इसका नाम पड़ा है दूध धारा, और अभी दूध धारा हम लोग जा ही रहे हैं। फाइनली मैं आ गया हूँ दूध धारा के पास, पानी देख सकते हैं पूरा दूध की तरह धारा यहाँ बन रहा है, यह है दूध धारा वाटरफॉल, इसका नाम था, यहाँ ऐसा बोला जाता है कि ऋषि मुनि यहाँ बैठकर तप किया करते थे, अभी जब गुफा देख रहे थे ना वो इस वाले पहाड़ी के अंदर था, ये पहाड़ी दिख रहा है ना, इस पहाड़ी के अंदर गुफा है, वहाँ से एंट्रेंस है गुफा का, अंदर वीडियो वगैरह अलाउड नहीं था लेकिन थोड़ा सा अंदर जाने का पता चला कि नहीं अलाउड है, कैप्चर तो हो गया मोमेंट, और फाइनली फॉल का व्यू ये है, अभी हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, थोड़ा देर बैठेंगे क्योंकि प्रकृति के बीच ना ऐसे बैठने का मौका बहुत कम मिलता है, बैठ कर थोड़ा आनंद लेंगे, इसके बाद ही यहाँ से जाएंगे, काफ़ी प्यारा व्यू है। चलते हैं थोड़ा आगे देखते हैं इधर, वाटरफॉल था, वाटरफॉल से होते हुए पानी ऐसे जाता है, और हम लोग भी जा ही रहे हैं, देखते हैं किनारे किनारे किधर तक क्या मिलता है, बंदर कहीं ना कहीं जंप कर रहा है, क्या एंड हो गया क्या अब, खत्म हो जाता है ना पानी तो आगे जा रहा है, बट हम लोग के लिए लास्ट यही है, वहाँ तो चलते हैं, वहाँ तो हाँ चलते हैं फर्स्ट आगे, और क्या क्या भैया लकड़ी काट रहे हो क्या, लकड़ी महात्मा जी के लिए है क्या, महात्मा जी के लिए है क्या, ठंड का मौसम रहता है तो भाई लकड़ी काटना बहुत जरूरी है ठंड से बचने के लिए, तो ये भैया भी उनके लिए लकड़ी काट दे रहे ताकि उनको रात में कोई दिक्कत उक्कत ना हो, और हम लोग का जो आने का रास्ता था वो लास्ट यहीं तक था, ये रास्ता एंड कर जाता है, बंदर देखिए यहाँ बैठा हुआ है, निरीक्षण कर रहा है बंदर बैठ कर, नर्मदा का बहुत बड़ा रूप है, जैसे जैसे हम लोग नीचे आ रहे हैं उधर उधर बढ़ते जा रहा है, डाउनवार्ड जाता जा रहा है, नर्मदा त
तप करने के लिए ऋषि मुनि इतना अच्छा जगह ढूंढे थे, इससे अच्छा जगह नहीं मिलेगा। बिना कोई डिस्टरबेंस का आराम से तप किए जा रहे होंगे, इतना पीसफुल प्लेस पे मन शांत और तृप्त हो जाता है यहाँ बैठने के बाद, इतना अच्छा जगह है। इस वाले ब्लॉग में आपने सारा कुछ देखा कि यहाँ क्या था, कैसे आना था, हमने क्या क्या करा और कितने मुश्किलों के झेलने के बाद इधर आया, और फाइनली मैं जिस चीज़ के लिए आया वो हमने देख भी लिया है। ये हम लोग फॉल के लिए आए हुए थे यहाँ, दूधधारा वाटरफॉल हमारा ठीक पीछे रहा ये, और दूधधारा वाटरफॉल आगे देख सकते हैं, पानी टोटली दूध की तरह दिख रहा है, इसलिए इसका नाम दूधधारा पड़ा। नर्मदा रिवर से होते हुए आ रहा है, ये ऊपर फॉल था, कपिलधारा से होते हुए ये नीचे 100 मीटर नीचे दूधधारा बन रहा है। आने का बहुत अच्छा जगह है, हमें तो बोल रहा है कि यहाँ जब भी आना आपके मौका मिले तो कपड़ा वगैरह लेकर आना, यहाँ से नहा कर जाना। हमारे को पता नहीं था कि ऐसा कुछ यहाँ है, तो हम तो कुछ लेकर आ नहीं थे, तो यहाँ से बिना नहा तो जाने का बात ही नहीं था। इतना अच्छा पीसफुल जगह है, और ऊपर से महात्मा जी इधर गुफा में बैठकर जो तप कर रहे थे, काफ़ी अच्छा प्लेस है। तो इस ब्लॉग को हम लोग यहीं एंड करते हैं, मिलेंगे आप लोग अगले प्रसंग पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अच्छे से रहिएगा, मजे में रहिएगा, बाय। हॉल किनारे भेल पूरी खाने का मन किया, भैया का स्टॉल था, हमने खरीदा, खा कर देख रहा हूँ बड़ा टेस्ट अच्छा है, खाने में मजा आ रहा है। बाबू तो और चॉइस से खा रहा है इधर, क्या बाबू अच्छा लग रहा ना, नर्मदा नदी किनारे